जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी उसको रिजॉल्व कर लिया गया है, और एग्जैक्ट नंबर क्या होने वाला है, क्या तेजस मार्क 2 के अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, क्या हमें ट्रेनर वेरियंट भी देखने को मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में कि भारत सरकार के द्वारा एक जो कंडीशनल क्लॉज था तेजस मार्क 2 को लेकर के, वो हटा लिया गया है और अब तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट का जो मार्ग है वो लगातार प्रशस्त हो रहा है। माना जा रहा था कि अभी तक जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क था वो इंजन की अनअवेलेबिलिटी के कारण प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब ये समस्या दूर हो चुकी है और अगले 4 से 5 वर्षों में हमें तेजस मार्क 2 के अलग अलग प्रोटोटाइप्स देखने को मिलेंगे। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो तेजस मार्क 2 के अगर हम प्रोटोटाइप्स की बात करें तो तकरीबन 6 प्रोटोटाइप इनके बनाए जा रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली ये चीज अनाउंस तो नहीं करी गई है, लेकिन मीडिया सोर्सेज में चर्चाएं तेज हैं कि शायद इन 6 प्रोटोटाइप्स में हमें एक ट्रेनर वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है जो कि तेजस मार्क 2 पर ही आधारित होगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि जब हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकी दौरा हुआ था, तो उस दौरान अमेरिका के साथ जेट इंजन डील को लेकर के महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पे साइन किया गया था, और उसके बाद से ये माना जाने लगा था कि इस तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी इंजन की अवेलेबिलिटी को लेकर के, वो अब रिजॉल्व हो चुकी है और अब तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इनिशियली 108 की संख्या में तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जाएंगे, लेकिन इनका जो फाइनल काउंट है वो 230 तक पहुंचने वाला है। जी हाँ, तकरीबन 230 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है आने वाले समय में हमें इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि भले ही भारत सरकार के द्वारा जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी यूएस कांग्रेस से जो अप्रूवल है वो पेंडिंग पे है। लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि यूएस सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये जो काम है आसान कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी इंजन निर्माण की प्रक्रिया भारत में शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज जाननी होगी कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की जो टाइमलाइन है वो अभी भी वही है, यानी 2028 तक इनका प्रोडक्शन संभावित है, और जो पहला एयरक्राफ्ट है ये वर्ष 2029 से 30 के बीच में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दरअसल पहला तेजस मार्क 2 जो है वो 2024 के अंत में ही रोल आउट होगा, और जो उसकी पहली उड़ान है ये 2025 के अंत तक या 26 की शुरुआत में आयोजित कर ली जाएगी, और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो निर्विरोध रूप से चलती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के आ रही है, क्योंकि हम लोग काफी लंबे समय से इस एयरक्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आडा से निकल के आई हैं, तो उसमें हमें 2 नई चीजें पता चली हैं, जैसे कि तेजस का एक ट्रेनर वेरिएंट भी इस समय अंडर कंसिडरेशन है और उसको भी बनाया जा सकता है, जो कि आने वाले समय में जो अनमैन एरियल व्हीकल है या लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं इनको कंट्रोल करने का काम करेगा। वहीं इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेगा, हालांकि वो सेकेंड फेज के एयरक्राफ्ट होंगे जो कि माना जा रहा है एमका मार्क 2 के इंजन के साथ अपग्रेड होकर के आएंगे, लेकिन उसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो जो डेवलपमेंट वर्क है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि 2024 से लेकर के अब 2035 तक का जो समय रहेगा ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ तेजस मार्क 1A से लेकर के एमका मार्क 2 जैसे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे इसी समय अवधि के दौरान। तेजस मार्क 2 निसंदेह एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि लॉन्ग रेंज और अच्छे एंड्योरेंस टाइम के साथ में आएगा। वहीं इसमें जो एडवांस सेंसर्स हैं उनसे इसको इक्विप किया जाएगा। इसमें एक स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसकी जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें आपको कई एडवांस सेंसर्स दिखेंगे, जैसे कि एडवांस हमारा जो एसा रेडार है जो कि बेसिकली उत्तम एसा रेडार होने वाला है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम UEWS, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और निसंदेह अपने कैटेगरी के ये सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तेजस मार्क 2 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर ये 6.5 टन के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.3 टन की होने वाली है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें मिराज 2000 से जो कि इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में है, तो मिराज 2000 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17 टन का है और उसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जहां पर वो 6.2 टन के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.95 लीटर्स की है। वहीं अगर आप तेजस मार्क 2 को साब ग्रिपेन से कंपेयर करें या ग्रिपेन ई से कंपेयर करें बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि ग्रिपेन ई का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16.5 टन है, उसमें 10 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जहां पर वो 7.2 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.4 टन की होने वाली है। तेजस मार्क 2 की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो 14.65 मीटर्स की होगी। वहीं इसका स्पैन 8.5 मीटर्स का होगा और इसकी जो हाइट है वो 4.87 मीटर्स की होने वाली है। तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका बेनिफिट इसको ये मिलेगा कि ये स्कैल्प बॉम्ब को भी कैरी करने में सक्षम होगा जिनका वजन 1350 किलोग्राम तक होता है। हालांकि मार्क 1 और मार्क 1A दोनों के पास स्कैल्प क्रूज मिसाइल को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी उपलब्ध नहीं है और तेजस मार्क 2 हमारा उन बॉम्ब्स को इजीली कैरी कर सकेगा। इंजन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जिसके चलते इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 की होगी और इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है वो 50,000 फीट की होने वाली है। जी लिमिट की बात करें तो वो +9 से -3.2 की होगी। दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में आपको एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसआर रडार देखने को मिलेगा जो कि 912 टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आएगा। वही डीआरडीओ की लैब जिसको हम आईआरडीई के नाम से जानते हैं वो एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम तेजस मार्क 2 के लिए विकसित कर रही है जिसे हम FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्टोनिक्स IRST के नाम से जानेंगे जो कि +-80 डिग्री की कवरेज एजमुथ पे और +-40 डिग्री की कवरेज एलिवेशन पे प्रदान करेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो सेंसर होगा ये शॉर्ट और मीडियम वेव के जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनको टारगेट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करेगा और ये टारगेट को काफी लंबी दूरी से ट्रैक कर सकेगा। तो यही सारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो तेजस को काफी ज्यादा कैपेबल बनाएंगी और इसकी विद इन विजुअल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है। तेजस मार्क 2 में आपको एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देखने को मिलेगा जो कि रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में आएगा और उसमें डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है जो कि पायलट्स को ऑक्सीजन बोतल कैरी करने की जो झंझट है उससे दूर करेगा। यानी कि अगर हम मार्क 1 वेरिएंट में बात करें तो उसमें जो पायलट्स होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन बॉटल्स को कैरी करते हैं जिसके चलते उनका जो एंड्योरेंस टाइम है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है जो कि तकरीबन 1-2 घंटे का है। लेकिन तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम होगा जिसके चलते तकरीबन 8 घंटों तक लगातार जो ऑक्सीजन है वो जनरेट की जा सकेगी जिसका फायदा जो पायलट्स हैं उनको मिलने वाला है। इसके अलावा और भी दूसरे जो एडवांस फीचर हैं वो तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेडअप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और भी कई सारी चीजें हैं जो इस एयरक्राफ्ट को काफी उन्नत बनाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने मोटे मोटे तौर पर बात करी तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने आपको अपडेट से भी अवगत करवाया और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।